एक बहुत बड़ा समाज लाखों की आबादी में रहता है उसका आंदोलन समाप्त हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर स्थित रायका बाग जो है उस रेलवे स्टेशन का नाम जो रायका शब्द था उसमें त्रुटिवर्ष राय और का अलग अलग हो गया, जिसको लेकर पूरा समाज आंदोलित था। मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके नियम 131 के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक विषय रखा है, जोधपुर के पास एक स्टेशन है राय का बाग, इसकी क्या वस्तु स्थिति है वो आपके सामने रखूं, फिर माननीय मंत्री माननीय सदस्य की जो भी शंका है दो मिनट उसका भी समाधान करेंगे। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत सादर निवेदन है कि उपखंड अधिकारी जोधपुर उत्तर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम जोधपुर दक्षिण के खाता संख्या 949 खसरा नंबर 332 रकबा 1.10 बीघा किस्म रेलवे स्टेशन रेलवे विभाग के नाम वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा गिरदावरी ग्राम जोधपुर संवत 2020 से संवत 2021 में खसरा नंबर 332 में रेलवे स्टेशन रायका बाग लिखा हुआ है। रायका एक साथ है, राय अभी जगह नहीं है। खसरा गिरदावरी संवत 2004 से 2007 में खसरा नंबर 332 रकबा 1.10 बीघा में खालसा स्टेशन रायका बाग दर्ज है, उसमें भी रायका एक ही शब्द है। खसरा गिरदावरी संवत 2010 से 2013 में खसरा नंबर 332 रकबा 1.10 बीघा खालसा स्टेशन रायका बाग दर्ज है, इसमें भी रायका ही है। उक्त प्रकरण में श्री वीर रणमल जी रायका इतिहास एवं संस्कृति संरक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा रायका बाग रेलवे स्टेशन के नाम में शुद्धिकरण हेतु निवेदन किया गया था। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 1/7/2024 के द्वारा वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर को राजस्व रिकॉर्ड अनुसार रायका बाग स्टेशन की भूमि के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। साथ ही संघर्ष समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों साक्षियों के आधार पर रायका बाग रेलवे स्टेशन का अंकन करते हुए लिपिकीय त्रुटि के सुधार हेतु लिखा गया था तथा रेलवे स्टेशन का अंकन करते समय लिपिकीय त्रुटि सुधार हेतु लिखा गया था तथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर के पत्र दिनांक 1/7/2024 के द्वारा रिकॉर्ड की जांच कर 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत लिखित आश्वासन दिया गया था। तत्पश्चात इस क्रम में स्मरण पत्र दिनांक 13/7/2024 एवं 20/7/2024 द्वारा भी पुनः निवेदन किया गया। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने से दिनांक 25/7/2024 को उक्त विषय पर वार्ता की गई, जिसमें अवगत कराया गया कि रेलवे द्वारा उक्त पत्र के संदर्भ में कोई सूचना समिति को नहीं दी गई और न ही कार्यालय हाजा को अवगत कराया गया। श्री वीर हरमल जी रायका इतिहास एवं संस्कृत संरक्षण संस्थान जोधपुर ने प्रकरण का समाधान न होने पर दिनांक 4/8/2024 को माँ पंचायत आयोजित करने बाबत अवगत कराया है, जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना है। इस बाबत पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व के द्वारा भी पत्र दिनांक 19/7/2024 माँ दीजे पुलिस को लिखा गया है। उक्त वस्तु स्थिति रिपोर्ट इस कार्यालय से पत्र दिनांक राजस्व विविध 2024-2007 दिनांक 26/7/2024 द्वारा श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व ग्रुप विभाग राजस्थान जयपुर को अग्रिम कार्रवाई आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है, जिसमें विस्तृत शासन सचिव राजस्व ग्रुप विभाग जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक व फला दिनांक 30/7/2024 द्वारा श्रीमान संयुक्त शासन सचिव सामान्य प्रशासन ग्रुप 3 विभाग को रेलवे स्टेशन के नाम के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया गया है। प्रकरण में रेलवे विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक फला दिनांक 31/7/2024 के अनुसार सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम प्रकाशन 1964 OSM प्रकाशन 2011 एवं रेलवे का मानचित्र 2020 में राय जगह का बाग लिखा
होना अवगत कराया है एवं उन्होंने अवगत कराया है कि हाल समय में ये लिपि की त्रुटि नहीं हुई है। लिपि की त्रुटि तो हुई है पर हाल ही में नहीं हुई है, पुरानी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे विभाग द्वारा अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा भी रिपोर्ट रिकॉर्ड की खोज एवं सत्यापन कार्य रेलवे द्वारा किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे विभाग से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न प्रसिद्ध है। मैं माननीय सदस्य को ये आपके मार्फत देख सकें विश्वास दिलाता हूँ कि ये लिपि की त्रुटि है और राजस्थान सरकार ने रेलवे को लिखा है इस लिपि की त्रुटि को ठीक की जावे, राई डैश का नहीं होकर के राई का एक ही शब्द लिखा जावे और हमें विश्वास है कि शीघ्र ही इसका समाधान हो जाएगा। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग सारी बातें आ गई है और जो माननीय मंत्री जी ने कहा है रिकॉर्ड में भी वही और प्रक्रिया भी जिन जिन दिनांक को इन्होंने बताया है वो दिनांक से जिला प्रशासन जोधपुर और जो वहाँ सीनियर कमर्शियल मैनेजर है रेलवे के उन लोगों के बीच में वही पत्राचार हुआ है। मेरा दो ही निवेदन है इस संबंध में, बाकी लगभग सारी बातें आ गई है। प्रथम तो भारत सरकार को जो आपने लिखा है, क्योंकि चूंकि आप संसदीय कार्य मंत्री भी है, आपने इस संबंध में सभी विभागों से राजस्थान में बात करते हुए ये मामले को यहाँ तक आप लाए और जोधपुर। और दूसरा, इस संबंध में जब मैं रेल मंत्री जी के कार्यालय में मिला और आपके जो स्थानीय सांसद है जो केंद्रीय मंत्री भी है उन्होंने भी मेरे सामने वहाँ बात की थी, उनको मैंने ज्ञापन दिया था, उनका भी धन्यवाद सभी लोगों का, आप लोगों का, कि इस मसले को आपने ताकि आंदोलन नहीं हो और ये ठीक ठाक हो जावे उसके लिए आप सब ने प्रयास किया। बस एक ही निवेदन है कि चूंकि भारत सरकार का रेल विभाग यही कह रहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड देख लो, रेवेन्यू रिकॉर्ड देख लिया, जिला प्रशासन जोधपुर ने उसको बता दिया कि ये रहा है और इसको एक शब्द होना चाहिए। और रेलवे के कमर्शियल मैनेजर ने भी जून जुलाई की चिट्ठियों में यही मांगा था, वो भी उन्होंने उनको दे दिया है। अब जब तक जो भारत सरकार के रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी जो रेल मंत्री के हवाले से जिन्होंने जिनको मैं मिला था उन्होंने ये कहा कि जैसे ही राजस्थान सरकार हमको प्रस्ताव भेजेगी हम यहाँ से उस प्रस्ताव को वापस लौटा देंगे, क्योंकि नाम का शुद्धिकरण हो, त्रुटि हो उसको ठीक करना है या नाम चेंज करना है उसका राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी जब ही हम उसको करेंगे। और चूंकि ये इतिहास से जुड़ी हुई बात है और इतिहास से जुड़ी हुई थी जैसे कई समाजों की भावनाओं के अनुरूप होता है, ऐसा एक इतिहास उसका वहां रहा है और इतिहास के पीछे इस नाम को दिया गया था, तो मैं बस एक ही निवेदन करता हूं कि आप स्पेशल एक ऑफिसर ओआई बनाकर और उनको इस संवाद के लिए कि वो पत्र राजस्थान भारत सरकार को चला जाए रेल विभाग को और वहां से जल्दी आ जाए, बस इतनी आप एक आश्वासन आप घोषणा कर देंगे तो मैं समझता हूं कि ये सारी बातें ठीक हो जाएगी। माने आपका आभार, धन्यवाद। रानीवाड़ा से आपने माननीय सदस्य की भावना सही है, कथन भी सही है और एक समाज के नाम से जुड़ा हुआ विषय भी है, भावनात्मक विषय भी है। मैं आपको आपकी मार्फत विश्वास दिलाता हूं राजस्थान सरकार इस संबंध में इस लिपि की त्रुटि को ठीक करने से भारत सरकार से संपर्क कर रेलवे विभाग से संपर्क यथाशीघ्र इसका समाधान कराएंगे और समाज से मेरी अपेक्षा है कि लिपि की त्रुटि है इसमें आंदोलन की आवश्यकता नहीं, राजस्थान सरकार पूरी व्यवस्था करेगी और समाज की भावना के साथ है। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि